दोस्तों आज के इस वीडियो में हम YT क्रिएट का फुल ट्यूटोरियल देने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको YT क्रिएट को ओपन कर लेना है, फिर प्लस वाले ऑप्शन में क्लिक करके आपको एक रेशियो सिलेक्ट कर लेना है, फिर थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके एक्सेप्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, फिर 16:9 का सेट करना है जो YouTube वीडियो के लिए बेस्ट है। अब मैं आपको स्ट्रीम करना बताऊंगा। नीचे स्प्लिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करते हैं। तुम्हारा वीडियो दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। अगर कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर कलर को भी चेंज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वह ले लेना। अब बात आती है कि वॉइस कैसे ऐड करते हैं, तो यहाँ पर म्यूजिक का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर योर म्यूजिक के ऊपर क्लिक करके आपको अपनी वॉइस को सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों अपने चैनल शिवम टेक्निकल ट्रिक्स से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं कि वीडियो में एलिमेंट कहाँ से ऐड करते हैं। ये जो आपको यूट्यूब भी का स्टीकर दिख रहा है या किसी भी ऐप का स्टीकर लगाने के लिए स्टीकर के ऑप्शन में क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पर जो स्टीकर आपको चाहिए वह सर्च कर लेना है, वह स्टीकर तुमको मिल जाएगा। और यह ऐसा कमेंट को ऐड करने के लिए आपको अपने कमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर यहाँ पर ओवरले के ऑप्शन में क्लिक कर देना है, फिर आपको अपने स्क्रीनशॉट को ऐड कर देना है, फिर इन पार्ट में एनिमेशन को लगाने के लिए आपको एनिमेशन वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है, फिर जो एनिमेशन आपको अच्छा लगे वह एनिमेशन लगा लेना है। फिर आप यहां से टेक्स्ट को भी लिख सकते हैं, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करके टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपका वीडियो कंप्लीट हो चुका है, इससे एक्सपोर्ट कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।